ज़करिया ज़ेडियो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे आपको हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है, आप देख रहे हैं ज़करिया ज़ेडियो चैनल। जी दोस्तों, सबसे पहले मेरे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़करिया ज़ेडियो चैनल। इसके बाद इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो जी दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि हम अपने पीसी के साथ कैसे इलेक्ट्रोनियम कॉइन को माइन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जी दोस्तों, सबसे पहले हमें इस कॉइन को माइन करने के लिए चाहिए इलेक्ट्रोनियम वॉलेट। यहां पर हमारे कॉइन जो हैं माइन होकर स्टोर होंगे, तो उसके लिए आप चले जाएं यहाँ पर इलेक्ट्रोनियम माइनिंग पूल। तो यहाँ से आप वॉलेट डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑफलाइन वॉलेट है, तो मैं आपको बता दूँ आपने ब्राउज़र वर्जन पे क्लिक करना है या आप डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, यहाँ पे आपने स्टार्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपने माउस को आगे पीछे करना है, हरकत देनी है ऐसे। उसके बाद ये आपका वॉलेट क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है, पीडीएफ फाइल में ये सेव हो जाएगा। तो आपने इसको, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जी दोस्तों, ये है हमारा इलेक्ट्रोनियम का जो वॉलेट, और इसमें ये पब्लिक वॉलेट है, हम ये यूज़ करेंगे। और ये वाला जो है, ये आपने किसी के साथ भी शेयर नहीं करना, और ये वाला भी आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना, किसी को भी नहीं देना। और सिर्फ़ यही यूज़ होगा हमारे जो हैं ETN रिसीव करने के लिए और माइन करने के लिए। तो चलिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पेस्ट कर दें, जो इसके अंदर स्पेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप इसको दोबारा से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद मैं इसको बंद करता हूं। उसके बाद यहां मैं टेक्स्ट फाइल में इनको सेव कर देता हूं। तो जी दोस्तों, ये है हमारा वॉलेट एड्रेस, इसके ऊपर हम इसको माइन करेंगे, जो हमारे ETN कॉइन है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने ऑनलाइन वॉलेट का अकाउंट बनाना हो तो वो यहाँ से आके अपना ऑनलाइन वॉलेट अकाउंट बना सकता है, और उसके बाद ऑफलाइन वॉलेट जो है वो भी यहाँ पर इंपोर्ट करा सकते हैं। जो अभी अभी मैंने डाउनलोड किया है, वो भी आप उसके जो कॉइन होंगे वो आप यहाँ पर लेके आ सकते हैं इस वॉलेट के अंदर। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। तो इसके लिए जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाला हूँ वो है जी, ये सॉफ्टवेयर है CPU माइनर। तो ये इसके पूल हैं, जिस पूल के साथ हम माइनिंग करेंगे। इसका लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये सॉफ्टवेयर है, ये मैंने पहले से ही एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अभी मैं इसको दोबारा आपके सामने करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये डबल नहीं होगा, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो ये पासवर्ड मांगेगी फ़ाइल, तो पासवर्ड ये है, आपने ये पासवर्ड दे देना है, ये भी आपको मिल जाएगा। तो जी दोस्तों, ये फाइल बन गई है, ये CPU की फ़ाइल है। आपने इस फाइल को, जो CPU की फ़ाइल है, इस फाइल को आपने एडिट करना है। इसके अंदर जो आपने चेंजिंग करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या क्या चेंजिंग है जो ये फ़ाइल मैंने एडिट की है। ये आप देख लें, ये फ़ाइल एडिट की हुई है। तो जी दोस्तों, देख लें, सेम टू सेम है, लेकिन थोड़ी सी सेटिंग है इसमें, तो मैं आपको बता दूं। अभी इसमें से मैं पूल का जो है वो लिंक पूल ओपन कर लेता हूं। तो जी दोस्तों, मैंने ये वाला पूल यूज़ किया है, तो आप कोई भी पूल इनमें से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये वाला पूल इस्तेमाल किया है इसके अंदर। ठीक है, मैं अभी आपको दोबारा से वो सेटिंग करके दिखा देता हूँ। आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है जस्ट इस पूल को। उसके बाद आपने इस पूल को ले आना है यहाँ पर, यहाँ तक।
इसके बाद आपने आगे अपना जो ये एड्रेस है इसको कॉपी करना है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से आपने इसको डाल देना है और ये पेस्ट कर देना है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम डबल डॉट देंगे और यहाँ 555 आपने डाल देना है। तो जी दोस्तों, ये सेम टू सेम आपकी फ़ाइल और मेरी जो मैंने फ़ाइल बनाई है, सेम टू सेम ये फ़ाइल बन गई है। तो आपने इस फ़ाइल को सेव कर देना है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं ये वाली अपनी जो फ़ाइल भी बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। अच्छा, ये हमने एड्रेस यूज़ किया था। जी दोस्तों, इस फाइल को मैंने एडिट कर लिया था। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, ये फाइल हमने एडिट की थी। तो मैं इसको अभी रन करता हूँ। तो जी दोस्तों, इसमें अभी स्टार्ट हो गई है माइनिंग। ये आप देख सकते हैं जो स्पीड आ रही है वो 15-14 के करीब आ रही है। जो इसके कोर हैं, सीपीयू कोर, वो यूज़ हो रहे हैं। तो ये चार कोर हैं सीपीयू के अंदर, तो वो चारों के चारों यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरह आप अपनी माइनिंग सीपीयू से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम अपनी माइनिंग किस तरह चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मैंने पूल यूज़ किया है, हम पहले वो उस पूल का लिंक उठाते हैं। तो मैंने ये पूल यूज़ किया था। इस पूल को हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ इसको पेस्ट करना है। तो मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर देख लें, इन्होंने लिखा हुआ है कि आपने क्रिप्टोपिया एक्सचेंज का वॉलेट एड्रेस यूज़ नहीं करना। अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको ये समझ लें कि जो आपके माइन होंगे ETN, वो आपको नहीं मिलेंगे। तो ये जो इसकी फ़ीस है वो है 0.5%, और इसकी जो कम से कम जो बैलेंस आपको पेड होगा वो 0.1 ETN है, वो आपको मिल जाएगा। ये इन्होंने दिया हुआ है कि आप ये जो जो इनके ब्लॉक हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। कोड हमने ये वाला यूज़ किया है। तो अगर आप GPU माइनिंग के साथ करेंगे तो वो ये वाला यूज़ होगा, लेकिन उसके लिए सॉफ्टवेयर अलग है। वो भी मैं आपको उसकी वीडियो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट बताऊंगा। तो हमने चेक कैसे करना है, देखें। ये तो मैंने पहले से अपना वॉलेट का एड्रेस इसके अंदर डाला हुआ था। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको दोबारा से कॉपी करता हूँ। जो एड्रेस है हमारा, इस एड्रेस को मैं कॉपी करके इसके अंदर डालता हूँ। यहाँ मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे आपने लुकअप पे क्लिक करना है। जी ये देख लें, हमने थोड़ी देर पहले ही इसको स्टार्ट किया है। अभी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये शो होना शुरू हो चुका है। तो जैसे जैसे हमारे ये जो हैं ETN माइन होंगे, वो यहाँ आप अपने अकाउंट में देख सकते हैं कि वो कितने, आपका बैलेंस कितना है, पेंडिंग कितना है, टोटल पेड कितना है, सारा कुछ आप यहाँ देख सकते हैं। और ये इनका कैलकुलेटर है, आपकी स्पीड कितनी आ रही है। अगर आप मेरी इसकी स्पीड देखें तो तकरीबन बन जाती है 55 के करीब बन जाती है। तो यहाँ पर मैं 55 चेक कर लेता हूँ। तो मैं अगर माइन करूँ, समझ लो कि एक दिन के अंदर मेरे 2 कॉइन माइन होंगे, 2-2.5 कॉइन जो है ना वो माइन होंगे, जो इलेक्ट्रोनियम है। तो जी दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आपको बताना था कि हम अपने CP से किस तरह ETN कॉइन माइन कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ। ये रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए स्पीड थोड़ी कम आ रही है। तो मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ। मैंने इसको बंद कर दिया। तो यहाँ से भी CPU जो यूज़ हो रहा था वो कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो इस तरह आप ये अपने PC कंप्यूटर से या लैपटॉप से, जिसकी स्पीड अच्छी है, कॉइन माइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनियम जो है वो आप माइन कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर विजिटिंग। अल्लाह हाफिज़। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। GPU माइनिंग किस तरह होती है।